ऐतिहासिक सहयोग था और हमने जनता के जितने भी वादे किए थे 100% वादे हमने पूरे किए और उसके अलावा मैं ये कहूं कि 1000% के काम हमने, क्योंकि ये जो स्वच्छता का जो काम था ये देश और दुनिया के लिए उदाहरण था। वैसे पत्रकार बंधु आप सबको ये मालूम होगा कि डूंगरपुर आज पूरे देश के लिए स्वच्छता का एक इतिहास बना चुका है और पूरा राजस्थान ही नहीं, अनेकों राजस्थान के अलावा स्टेट, गुजरात मेरा पड़ोसी स्टेट, ये सारे स्टेट के नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अधिकारी, जन प्रतिनिधि मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते थे और हम स्वच्छता में ये कह सकते हैं कि हमने दक्षता प्राप्त की। कुछ समय पहले मुझे गुजरात में भी काम करने का मौका मिला और गुजरात में जब मैं काम कर रहा था तो सम्मान्य देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के गांव मैंने स्वच्छता के लिए चुने। देश के हर सांसद 5 गांवों को गोद लेता है जिसमें अमित शाह जी के जो 5 गांव गोद लिए हुए थे उन 5ों गांवों को मैंने स्वच्छता और पर्यावरण की दृष्टि से मैंने मेरी टीमें लगाकर काम करना प्रारंभ किया। कई बार ये सवाल उठता है, मीडिया के साथी पूछते हैं कि क्या अमित शाह जी आपको पहले से जानते थे, तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि मैंने अमित शाह जी की छायाएं देखी थी, अमित शाह जी को नहीं देखा था। जब पूरे देश की स्वच्छता सर्वेक्षण के रिजल्ट आए तो अमित शाह जी के 3 गांव देश में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5, 3 गांव आए। जब 3 गांव देश में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 आए तो अमित शाह जी ने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ, किस व्यक्ति ने किया। तब मुझे उनसे मिलने का पहली बार मौका मिला, उन्होंने मेरा सम्मान भी किया और मेरे साथ फोटो खिंचाकर वो फेसबुक और ट्विटर पर उस फोटो को डाला तो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बना कि नहीं, अमित शाह जी के अगर क्षेत्र में कोई काम कर किसी ने किया और साहब ने उसका सम्मान किया तो इसका मतलब काम में ताकत है, काम के लिए बोलना नहीं पड़ता। और आज भी मैं राजस्थान के किसी भी जिले में जाता हूं तो जिला कलेक्टर, सीओ हमारी मीटिंग में रहते हैं, एसडीएम रहते हैं, पंच सरपंच रहते हैं और मैं सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ जहां तक मेरे से हो सकता है। यूनिसेफ वालों ने भी मुझे हायर किया था कुछ समय के लिए, मैं उनके साथ भी टीम बनाकर काम मैंने किया। मेरे पास स्वच्छता के वो विजन है, हो सकता है कि मेरे से अच्छे विजन भी लोगों के पास हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आज धरातल पर अगर किसी ने स्वच्छता के विजन को उतारा, राजस्थान की 196 निकाय का मुझे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और मैंने राजस्थान की 196 निकायों में जाकर मीटिंगें ली और मेरे काम के विजन को मैंने हर निकाय के अधिकारी और जनप्रतिनिधि को समझाने का प्रयास किया था। इसके बाद सम्माननीय हमारे अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब, उन्होंने भी मुझे राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी, ये ब्रांड एम्बेसडर शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसमें बहुत बड़ी ताकत और ऊर्जा है। जब मुझे अशोक गहलोत साहब ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो मैंने उनके अभी इस कार्यकाल के अंदर पूरे राजस्थान की निकायों में जगह जगह जाकर मैंने मीटिंगें ली। लेकिन एक बात सत्य है कि जिसकी इच्छा शक्ति अगर मजबूत नहीं है तो उसको सफलता नहीं मिलती और ये स्वच्छ भारत मिशन का काम देश के 131 करोड़ लोगों के लिए आवश्यक है। और मैं ये बात आपको पहले जब मैंने बात प्रारंभ की बताया कि मैंने शहर के मीडिया के साथियों से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार की और मैंने मीडिया के साथियों को कहा देखिए मेरी विजय का कारण मीडिया है और आज भी मैं आप लोगों का ऋणी हूं कि आप लोग मेरे छोटे से अल्प बुलावे में यहाँ उपस्थित हुए। साथियों हमने जब दू, ये शहर मेरे अकेले का नहीं है, इस शहर के आप जिम्मेदार लोग हैं और ये शहर भी आपका भी है और आपका भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि इस शहर को हमें सबको मिलकर स्वच्छ सुंदर हरा भरा बनाना है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डूंगरपुर की मीडिया को कि हमारी कार्य प्रणाली पर 365 दिन उन्होंने कोई विवाद या अपवाद नहीं किया,
365 दिन नगर परिषद के कामों की अखबारों में न्यूज बनती थी और 365 दिन अभी यहाँ डूंगरपुर के कुछ चर्चित व्यक्ति भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा लेकिन वो स्वयं कहेंगे कि डूंगरपुर जितने दिन रहे, क्योंकि डूंगरपुर नगर परिषद का काम जनता के दुख दर्द ही दूर नहीं करना था, कुछ नए कीर्तिमान हासिल करना था। और हमिया के साथी ने नगर परिषद के किसी भी काम की आलोचना विमोचना या गलत प्रकाशित नहीं किया। ये नहीं कि हमने गलत किया और उन्होंने नहीं किया, हमने उनको एक बार बड़े स्पष्ट शब्दों में कही, आपको किसी भी प्रकार की काम की शिकायतें कहीं भी गंदगी नजर आए, कहीं भी आपको कोई खामी या कमी नजर आए, तो आप नगर परिषद में मुझसे डायरेक्ट टेलीफोन करके उस समस्या को बता सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक घंटे के अंदर उस समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो दूसरे दिन आप अखबार के मेन प्रेस पे उस न्यूज को लगाएंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सभापति बना और शपथ लेते ही मैं सीधा शमशान घाट पहुंचा तो लोगों ने मुझसे, मीडिया के साथी भी साथ में थे, उन्होंने कहा कि सभापति जी बने हो और आप शमशान घाट आए हो। मैंने कहा ये शमशान घाट जी, ये वो व्यक्ति है जिसने इस शमशान घाट को बहुत सजाया और सवारा। बात मेरी ये बड़ी स्पष्ट है, अगर मैं ये कहता मीडिया के साथी को कि तुझे भी एक दिन यहाँ आना है तो वो शायद नाराज हो जाता। मैंने कहा नहीं, वास्तविकता है और हमने शमशान घाट से हमारी यात्रा प्रारंभ की, जहाँ लोगों की यात्रा खत्म होती है हमने हमारी यात्रा को वहां से प्रारंभ किया। और आज मुझे कहते हुए गर्व भी है और खुशी भी है कि इतने सारे मीडिया के बीच में, क्योंकि मैं राजस्थान की जब यात्रा करने निकलता था तो मैं सबसे पहले मीडिया के साथियों से मिलता, उस शहर की वास्तविकता को जानता था कि उसमें क्या क्या कमियां और खामियां है, कमियां और कमियों को मिलकर दूर करेंगे। और जहां जहां मेरी बात का समर्थन सपोर्ट वहां वहां मैंने कुछ चमत्कार अवश्य करके दिखाए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसी का परिणाम है कि मुझे भारत सरकार ने पूरे देश की, कोई एक साधारण सा व्यक्ति जो मैं मेरी अगर जीवन की बात बताऊंगा तो आप लोग सब आश्चर्यचकित करेंगे अपने आप को कि मैं एक सिंपल सा ट्रक ड्राइवर था, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक ट्रक ड्राइवर शहर का नेतृत्व करेगा और शहर का भी वो नेतृत्व करेगा जिसमें देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। अनुरोध किया है कि स्वच्छ भारत मिशन पर जो छोटी छोटी चीजें आम जनता को जिसके लिए जागृत करना है, मीडिया के माध्यम से हम सब मिलकर जागृत करें तो हमारा शहर जितना स्वच्छ है उससे भी ज़्यादा स्वच्छ बन सकता है। पर्यटक की दृष्टि से आज देश और दुनिया में उदयपुर का नाम है, लेकिन पर्यटक को बढ़ाने की और भी आवश्यकता है जिसमें हमें छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। जहां तक सवाल है पर्यटक का, पर्यटक स्वच्छता को देखकर आकर्षित होता है और हमारे जितने भी पर्यटक स्थल है उनको और खूबसूरत बनाने की आवश्यकता है। इन सब बातों को लेकर मैंने छोटी छोटी नुस्खे बताए हैं, तरीके बताए हैं। शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में उदयपुर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर बनेगा, क्योंकि ये स्वच्छता की ओर है और स्मार्ट सिटी शहर स्वच्छ न हो ऐसा हो नहीं सकता। और इसमें किस तरह से आप लोगों की हमें सेवाएं या आप लोगों का सहयोग चाहिए वो मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लंबे स्तर से डिस्कस किया है। अब अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप। भाई साहब, चुनाव नज़दीक है और चुनाव को लेकर क्या दावेदारी इस बार रख रहे हैं और इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि उधर उनके लिए आपके पास क्या विजन है ये दिखाने के लिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे विजन को देश और दुनिया में, राजस्थान ही नहीं पूरा देश मेरे विजन को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मेरे को अभी आज कोई किसी भी प्रकार की अगर मैं दावेदारी रखूं तो वो उचित नहीं है। हमारे दावेदारी का जहां तक सवाल है, शीर्ष नेतृत्व को ये निर्णय करना है कि वो टिकट देगा तो निश्चित रूप से हम आप लोगों के बीच में आकर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मैटर नहीं है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो केवल होली मिलन समारोह और आप लोगों से मिलने का विशेष कारण था जो हमने किया। मुलाकात तो मीडिया से होती रही, निरंतर मीडिया से मुलाकात में प्रयास करूंगा, निरंतर आप लोगों से, आपके सहयोग से। और आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि स्वच्छ भारत मिशन में आप लोगों के पास कोई नया विजन है, आप निश्चित रूप से मुझे बताएं, क्योंकि मैं देश और दुनिया में घूमता हूं तो आपके विजन को भी मैं जनता में शेयर करने का प्रयास करूँगा। अभियान से टिकट मिला तो लेंगे और करेंगे, फाइट करेंगे।
देखिए टिकट कहीं से भी मिले मुझे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा चुनाव लड़ने का शौक भी है और मुझे चुनाव लड़ना भी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यदि वो आपको टिकट देना चाहेंगे? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं आज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी पूरे देश की स्वच्छ भारत मिशन की जिम्मेदारी ग्रामीण स्तर की दे रखी है। मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो मैं उस भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। नहीं देगी तो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो अटूट है और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी मेरी कार्य प्रणाली को और मेरे कार्य करने के तौर तरीके को पूरे देश के सामने मेरे कामों की तारीफ कर चुके हैं, इसलिए मेरा विश्वास है कि मुझे 100% कहीं ना कहीं से विश्वास है कि टिकट तो देंगे ही, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी जैसे आपने कहा इसके बाद आप कमर कस चुके हैं इसके लिए कि भाई आपको आगे फाइट करनी है और उदयपुर कमर तो मैं देखिए कमर तो हमने जब पार्टी ज्वाइन की थी तब से ही कस रखी है। उदयपुर की बात उदयपुर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उदयपुर के अंदर और भी हमारे दावेदार हैं, अगर पार्टी उनको उचित समझेगी तो उनको दे। अच्छा आपकी पहली पसंद क्या है, टिकट मिलता है कहाँ से मिलना है? देखिए मेरी पूरी पसंद है राजस्थान, मेरा राजस्थान के अंदर मैं अगर कहीं से भी लड़ूंगा चुनाव तो मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ मैं केवल विधायक तक सीमित रहने वालों में से नहीं। अचानक आपका नाम आता है, आप उदयपुर में भी आपका रेजिडेंस है, लेकिन अचानक आते ही के गुप्ता उदयपुर की राजनीति में टोप में कैसे नाम आने चला लगा? ये तो सब कुछ आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने देखा कि उदयपुर के अंदर ये के गुप्ता होना चाहिए। मैंने मीडिया से कहा कि यार मेरा नाम क्यों लिखा है, जो पुराने जितने इतने नेता हैं, नहीं हम आपको लाइक करते हैं इसलिए आपका नाम लिखा है। अब मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता ना, और मना करूंगा तब भी वो मानेंगे नहीं क्योंकि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरा निर्णय ये है कि पार्टी निर्णय करेगी। भाई साहब उदयपुर से अगर टिकट मिलता है तो क्या प्रमुखता रहेगी ये बता दो। देखिए उदयपुर से टिकट लड़ूंगा तो जब टिकट मिलेगा उस समय मैं आपको 15 दिन पहले सब कुछ लिखित में दूंगा कि मैं क्या करूंगा। कहीं से भी टिकट मिले मुझे ये नहीं है कि मेरे विजन में ताकत नहीं है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े अच्छे विजन है और जब भी टिकट मिलेगा तो अपन सब मिलकर और अच्छी प्लानिंग से। स्वच्छता में आपने इतना काम किया एम्बेसडर, तो आपको लगता है स्वच्छता से स्वच्छ राजनीति आप आगे? मैं आपको एक बात बता सकता हूँ पूरी मीडिया के सामने विश्वास के साथ, देश के अंदर स्वच्छता से देश को बदला जा सकता है और देश के अंदर ये स्वच्छता इतना प्रिय सब्जेक्ट है कि जहाँ स्वच्छता लागू होगी, जहाँ स्वच्छता पे काम होगा, कोई भी पार्टी करे उस पार्टी को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। स्वच्छता में आजादी से भी बड़ी आजादी की जो लड़ाई थी, मैं ये मानता हूँ कि स्वच्छता की लड़ाई आजादी से ही बड़ी लड़ाई है। और क्योंकि इसे गंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है और जिसने धरती माता को गंदा किया उसने धरती माता को